नमस्कार। तेबे आजिर टॉपिक होची फ्रोजन शोल्डर। आपण माने बहुत समय रे जानिथिबे फ्रोजन शोल्डर गोटे डायग्नोसिस करा जाए, जोटा कि बहुत कॉमन कॉलोक्वियल टर्म। सेथरे तार माने हेला कोन, आपण जेतेबेले कोनोसी भी कारण रो आपणकर कांध उठे पारु नाहंती, बहुत जनकर कंप्लेन आसे एज हेला परे किबा माड़ हेला परे, जोटी फ्रैक्चर अछि सेटा त अलग जिनस। ता छड़ा नॉर्मली किछि नै, आपण घरे अछंती सब किछि ठीक ठाक चलछि, ग्रेजुअली आपण धीरे 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 हाथ आ ऊपर को उठे पारु नाहंती, मुंड कुंडे पारु नाहंती कि ड्रेस पिंधि पारु नाहंती, पछपटे लेडीज माने निजर ड्रेस पिंधिया को हाथ पछु को नै पारु नाहंती, तो हाथर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाउछ, जोटा को आमे कॉमन टर्म्स रे कहूछु फ्रोजन शोल्डर। तेबे फ्रोजन शोल्डर माने कोन, आपणकर एटा होछि आपणकर हाथ एपटे आपणकर स्कैपुला बा पछपटे साइड रे ये रहला। तो प्रॉब्लम कौन हुए आपणकर जेतेबे फ्रोजन शोल्डर हुए, ए जो जॉइंट कैप्सूल थाए एटा गोटे जॉइंट थाए, ता चारिपट गोटे कैप्सूल थाए, ता भितरे किछि पानी साइनोवियल फ्लूइड बा पानी थाए, जोथिरे कि आपणकर हाथर मूवमेंटटा आपण प्रॉपर्ली हेइ परिबो। किंतु बहुत टाइम रे आपणकर हाथ मूवमेंट हेइ परिबोनि, रीजन होछि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोटि कोन ना या भितरे कोनोसी प्रकार रा कार्टिलेज बा फ्लूइड रो डैमेज देखा जाए, जोथिरे कि धीरे 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 रेस्ट्रिक्शन हो जाए मूवमेंट बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, जोथिरे कि हाथर मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, लिगामेंट भी बहुत समय टीयर होकर किंबा कौनसी इंजुरी पर भी ये जिनस देखा जा पार। तेज से जो फ्रोजन शोल्डर हुए से नॉर्मली कौन ना आम मेडिसिन्स दो, जदि मेडिसिन्स आपंकर इन्फ्लामेशन कमी जाऊँ ग्राजुअली आमर एडवाइस करा हुए फिजिओथेरापी, यार एकमात्र चिकित्सा आपड़ जानवा दरकार जे फिजिओथेरापी बा एक्सरसाइज ही यार गोटे मात्र ट्रीटमेंट, जो थे कि फ्रोजन शोल्डर ट्रीटमेंट करा जाई पारिबो। ग्राजुअली जो जिनसटा आपणकर मूवमेंट हो नथिला सेठी आपण धीरे 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 तार मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट कले से जिनसटा लूज हबो आउ हाथ धीरे धीरे उठिबा को आरंभ हबो। तो से फिजिओथेरापी पाई आमे चेष्टा करू आपणकु पेनलेस रखिया पई, सो दैट आपण फिजिओथेरापी करि पारिबे। तबे डिफरेंट काइंड रो एक्सरसाइज अछि जोटा कि आपण फिजिओथेरापी सेंटर रे हो किबा आमे एक्सरसाइज पिक्चर्स रे आपणकु एडवाइस करि पारिबु, जो एक्सरसाइज आपण घरे करि पारिबे। ता लागि कोन करा जाय, इनिशियली आमे मेडिसिन्स तो काम न करले इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन्स पा ए जॉइंट भितरे इंजेक्शन्स मध्ये दिया जाय पारिबो। तबे ए जो इंजेक्शन्स अछि नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन्स हे पारिबो किबा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बा आपणक ब्लड रु प्लेटलेट बा स्टेम सेल तयारी करी आमे ता भितरे इंजेक्ट करि पारिबा, जोथरे कि साइड इफेक्ट किछि नाही। किंबा एठी आपणकर जो नर्व सब आसुचि जो गुडाक एई एरिया को सप्लाई करुचि से नर्व को आमे रेडियो फ्रिक्वेन्सी द्वारा ताकु आमे धीरे धीरे डैमेज करि पारिबा। आपण जानि रखिया दरकार एठी डैमेज रो माने नहि जे आमे संपूर्ण रूपे नर्वटा को नष्ट कर दउछु, तार केवल पेन क्यारिंग कैपासीटी जो नर्व गुड़ाक से पेन आपणकर ब्रेन को नौ से गुड़ाक आम खाली नम कर दौ, ताद्वारा कौन ब्रेन आपणकर पेनटा को परसीव करना। सो यू जो ट्रीटमेंट रे आम कौन करूना आपणकर पेन सेनसेसन फिल जो आपटा कम करेंगे, तार बेनिफिट कौन आप ग्राजुआल फेज रे एक्सरसाइज बढ़े पारे, कारण फ्रोजन शोल्डर एकमात्र ट्रीटमेंट हूँ एक्सरसाइज। सो वी मेक यू डू दि एक्सरसाइज जो थे कि ग्राजुअल ग्राजुअली आपणकर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बढ़ी जीवा और ये जिनसा धीरे 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 ठीक हो पार। धन्यवाद।